7:30 बजे तक देख लो टाइमिंग में था। सर लोग सर छोड़ दो, नई नई शादी हुई है सर इसकी। हाँ वो तो मैं, लेकिन बात ये कि शादी में कहीं सेमेस्टर ना निकल जाए। चलो अच्छा, लास्ट दो पॉइंट जो है हम कवर कर लें, टाइम बहुत कम है, 9 बजने वाले हैं, आप लोगों को जाना भी होगा। ऐसा नहीं कहीं ना कहीं दावत हो गई, यकीन आज जुम्मा है, मुफ्ता को तोड़ने जाएगा ये खाना खाने के लिए ससुराल वालों का। एनीवे ठीक है ना। अच्छा अभी हमने बात की थी मोबाइल फोन की, बात की थी हमने कि कंपनीज के ऊपर प्रेशर है, कंपटीशन जो आ रहा है ना कि नई नई प्रोडक्ट लाइन लेके हैं, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो कम हो गया। यानी पहले अगर कोई शख्स एक मोबाइल फोन खरीदता था तो अगर वो 3 साल चला था, 2 साल चलाता था, अब ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो कि जिनके पास आप 3 साल पुराना मोबाइल देखें, कोई बहुत ही ऐसा कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि इतने आसाब उनके इतने मजबूत होते हैं कि वो पुरानी चीज को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो कंपनीज के ऊपर ये बड़ा प्रेशर होता है कि नई नई प्रोडक्ट लेके आए, लेकिन साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि पुरानी प्रोडक्ट जो इतनी मार्केट के अंदर, उसको क्या किया जाए। तो फिर वो ऐसा ना हो कि आपकी अपनी ही प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट की सेल को खराब कर रही हो, यानी कंपटीशन की जगह आप अपने आप को अपनी प्रोडक्ट को जो आपसे जो पुरानी प्रोडक्ट है उसको खराब कर। अभी मैं पढ़ रहा था एक केस स्टडी जिलेट के मुताबिक। जिलेट जो है दुनिया में लार्जेस्ट सप्लायर है ब्लेड का, पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जी हमारा कोई कंपटीटर नहीं, लोगों के अंदर हमारे स्लैकनेस आ रही है, तो उन्होंने अपनी एक कंपनी क्रिएट कर दी, जिलेट के अंदर एक कंपनी क्रिएट कर दी, और उसको भी उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट दिया कि वो भी रिसर्च करें, ताकि ये जो कंपनी है यानी पेरेंट कंपनी जो है, जो पहले से रिसर्च कर रहे हैं और नई नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, वो कहीं स्लैक ना हो जाए और दूसरा कंपटीटर बीच में ना घुस जाए। तो उन्होंने अपनी एक दूसरी कंपनी क्रिएट कर दी, वो उनके साथ कंपीट करती थी, लेके आते थे, और अगर आप टाइमली एक्ट नहीं करते ना तो फिर कंपनियां बंद हो जाती हैं। एक केस स्टडी, पता नहीं आप लोगों को पढ़ाई गई नहीं पढ़ाई गई है, कोडेक की एक केस स्टडी है जो मेरी नजर से गुजरी थी, वो मतलब पढ़ने वाली केस स्टडी है वो, कि सबसे पहले डिजिटल कैमरा किसने इन्वेंट किया, कोडेक ने। ये बहुत कम लोगों को पता है, फ्यूजी हो गई, फ्यूजी बाद में आई थी, कोडेक ने कैमरा डिजिटल किया, और जिस बंदे ने R&D करके दिया था उसने पूरी प्रेजेंटेशन की सब कुछ हुआ, सेल्स कॉन्फ्रेंस लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि जी हमारी जो पुराने कैमरे आपने देखे होंगे ना, जिसमें रील पड़ती थी, रील डाली जाती थी कैमरे के अंदर और फिर आप लेके जाते थे दुकान पे देते थे, प्रोसेसिंग होती थी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, विद द रिजल्ट कि वो चीज़ जो है दुनिया ने उसको कर लिया। और आज अगर किसी आपके पास अगर कोई मतलब कोई एंटीक के अंदर कोई कैमरा अगर पुराना हो तो हो, ये चीज़ नहीं होती, वो चीज खत्म हो गई। तो टाइमली अगर कंपनी एक्ट नहीं करती, उन्होंने सिर्फ ये ख्याल करते हुए कि हमारी ये जो डिजिटल वाला जो है हमारी इस प्रोडक्ट को खा जाएगा, उन्होंने नहीं किया, तो आज कंपनी बंद हो चुकी है, मार्केट में कोई कोडेक का नाम भी नहीं जानता, किताबों में मिले तो मिले आपको, वैसे नहीं मिलता। तो आपको अपनी प्रोडक्ट को कैनिबलाइज नहीं करना है, अपनी प्रोडक्ट को आप ना खा जाए, आप कंपीट करें कंपीटिटर से, अपनी प्रोडक्ट से कंपीट ना करें। तो PLM यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो कहलाता है ना, ये क्या होता है कि आप टारगेट करते हैं कि ये जो मैंने प्रोडक्ट मार्केट किए ना, ये साल चलेगी, 1.5 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, लेकिन अभी जैसे मैं पहले आपको बात कर रहा था कि आप उस प्रोडक्ट को अपने पास ऐसे बनाते हैं, नई जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, कि वो अगर बाई बैक होकर आपके पास आ जाए या आपको मिल जाए, कचरे में मिल जाए, तोल के भाव आप उसको खरीद लें। अब जो स्टील ले लीजिए ना मिसाल, आपने बनाया बड़ा अच्छा, अमरेली वाले ने किसी ने स्टील बनाया, जब वो स्टील पुराना हो गया, जंग लग गया, कोई मकान दोबारा टूट रहा है उसके अंदर से पुराने स्टील निकल, दोबारा ये यूज तो नहीं होगा ना, तो वो घूम फिर के दोबारा स्क्रैप की शक्ल में उनके पास पहुंच जाता है, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो वो लेके उसको दोबारा मेल्ट करके और आपको जो है 1000 रुपए किलो के हिसाब से वो बेच देगा या जो भी उसका रेट होगा, वो रिसाइकिल कर लेते हैं। तो ऐसी आप प्रोडक्ट बनाए कि पिछली प्रोडक्ट को आपके खत्म ना कर दे, और प्रोडक्ट के अंदर वो पार्ट्स उसके अगर आपके पास वापस आए तो वो लेके जाए, शेयरिंग फीचर के साथ, पार्ट रीयूज के साथ। और जो टाइम है ना डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, लॉन्चिंग का, इसको मुख्तसर करते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट। अब अगर आप अभी मैंने आईफोन की मिसाल दी थी, आईफोन की हिस्ट्री देखें, पहली लाइन कब आई, दूसरी कब आई, तीसरी कब आई, ये मॉडल जो है ना, और मुझे यकीन है कि 12S प्रो के बाद अगला मॉडल उनके पास तैयार होगा, कि मेरी बात आप लिख लें, ये उनके पास तैयार होगा जब इसको अच्छी तरीके से बेच लेंगे, उनके पास जब डिजाइन हुआ होगा, उनके पास प्रोटोटाइप बना के रखे हुए होंगे, जब 9 और 10 के और 11 के पार्ट्स उनके पास वापस आने शुरू हो जाएंगे, उन पार्ट्स को यूज करके फिर वो प्रोडक्शन में जाएंगे,
अभी नहीं करेंगे वो, अभी महीना डेढ़ पहले तो लॉन्च किया ना उन्होंने, तो साल भर के बाद इस रस्ते में जो मुझ जैसे आप जैसे या जो अकलमंद लोग हैं वो तो नहीं चेंज करेंगे, लेकिन कुछ लोग चेंज कर लेंगे, तो वो जब चेंज कर लेंगे तो ये फोन तो उनके लिए बेकार हो गया ना, वो फिर वापस जाता है और उसको यूज करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके अलावा जितना आपका टाइम कम होगा ना बिटवीन लॉन्चिंग एंड डेवलपमेंट लॉन्चिंग, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन साथ साथ आपको एक ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि दोनों चीजों को देखना पड़ता है, एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। अब आखिरी आ जाइए कि जी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सपोर्टिंग दीज ट्रेंड, यानी पांच जो हमने ऊपर बात की है ना, छठे के अंदर अब टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। नेटवर्क एंड इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, इतनी सॉफ्टवेयर आ चुकी है आपके पास, इतनी सॉफ्टवेयर आ चुकी है कि आपको चूज करना मुश्किल है। ठीक है, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन की इतनी सॉफ्टवेयर अब आ चुकी है, अब आपको देखना है कि कौन सी सॉफ्टवेयर आपके उसके साथ फिट होती है, उसको आप लेके अपने सेलेक्ट करते हैं। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की हमने बात की अभी पहले, मैं इस पर दोबारा नहीं जाऊंगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज है सेल एंड ऑपरेशन प्लानिंग, S&OP जो कहलाते हैं ना, कि सेल की प्लानिंग क्या है, आपकी ऑपरेशन की प्लानिंग क्या है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। RFID क्या होता है भाई, RFID को बताएगा मुझे, सब इंजीनियर हो आप लोग? सर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है ना, मतलब वो चिप होती है, हमने जैसे वो इम्तियाज में देखा है, वो स्टिकर लगे हुए होते हैं। बिल्कुल, आप उसके ऊपर एक बार चलाते हो और वो पूरा बता देता है, प्रोडक्ट की फीचर आ जाते हैं। ये अब इतनी आगे बढ़ गई है RFID के, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर गाय और भेड़ों को RFID से वो कर रहे हैं, और खासतौर पे अफ्रीका के अंदर जो उनके सफारी पार्क हैं उसमें जो उनके इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं ना, उनको वो मॉनिटर करते हैं कि लगा के ये कितने हैं, किसी ने उनको मार तो नहीं दिया कुछ है। फिर जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनके डाले जाते हैं, तो इसको RFID से मैनेज करते हैं। और अगर ये ट्रंप रह जाता तो मेरे ख्याल से हम सबके अंदर एक RFID की चिप डलवा देता वो, और कि हम जहाँ भी जाते हैं ना उनको पता चल जाता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं। RFID वैसे तो बहुत अच्छी इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, RFID का एक फायदा ये होता है कि जब आपकी कोई चीज पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर बिकती है ना, तो आपकी इन्वेंट्री से ऑटोमेटिक माइनस हो जाती है। जो मैंने 2-3 लेक्चर पहले कहा था कि इधर आपकी इन्वेंट्री से माइनस होगी, उधर जो आपका सप्लायर है उसकी उसको भी फॉरन मैसेज चला जाएगा कि जी ये प्रोडक्ट जो है इतनी वहां पे कम हो गई है। तो उसके पास आपका लेवल है कि इम्तियाज के ऊपर ये चीज अगर 100 यूनिट पे आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेट कर देगा। इतना IT का रोल इसमें इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, ये जो टूल वो होते हैं ये वाले, मतलब ऐसे टोल पे भी आप इस्तेमाल होता है ना? जी, टोल पे भी होता है हमारे यहाँ तो, अगर हैदराबाद से आप कराची हैं आधा घंटे तो टोल प्लाजा पे पैसे देने में लग जाता है। मैंने 2008 में सिंगापुर में देखा था, जिस तरह आप मोबाइल का कार्ड चार्ज कराते हैं ना, वहाँ गाड़ी के अंदर आप जाके $100 का, $150 का आपने कार्ड, जिस जगह टोल है जिस सड़क के ऊपर उसका रेट होता है पीक आवर्स में, ये आप जब उससे गुजरते हैं एक स्कैन होता है और ऑटोमेटिकली आपके कार्ड में से उतने पैसे कट जाते हैं, आपको टोल पे रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। वो गाड़ी के विंडशील्ड पे लगा हुआ होता है, विंडशील्ड के ऊपर लगा होता है, वो रीड करके और आपके कार्ड में से माइनस कर देता है। जब आपका 20% ऑफ द वैल्यू रह जाता है आपको एक मैसेज आ जाता है, आप जाके उसको फिर अपलोड करा ले, जिस तरह आपने मोबाइल का बैलेंस कराते हैं। तो यहाँ पे तो हैदराबाद से कराची आने के लिए 45 मिनट जो है टोल प्लाजा पे खड़ा होना पड़ता है, पैसे भी दो और बेइज्जती भी कराओ अपनी वहां पे। ठीक है, अच्छा फिर सॉरी लाहौर में पूरे पे नहीं है, M2 के ऊपर पूरे सब पे नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ के ऊपर है, कुछ गेट्स पे है, कुछ पे नहीं है। जी जी, कुछ जगह पे है बिल्कुल। हाँ, कुछ गेट्स पे है, जब आप लाहौर में एंटर हो रहे होते हैं ना इस्लामाबाद से आते वक्त, तो सर्टिन गेट्स हैं, अगर आपके पास ये है तो आप उससे आ सकते हैं, वरना तो आपको फिर वो लाइन में लग के पैसे देने पड़ते हैं। जी जी, ई पास का एक उन्होंने अलग दे दिया। जी, उनकी लाइन अलग होती है। फिर RFID के बाद है लॉजिस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमाइजेशन है, ये आप करते हैं। फिर प्रोक्योरमेंट में आप ऑप्टिमाइज करते हैं, नंबर ऑफ सप्लायर बढ़ाते हैं, क्वालिटी सब जितने भी आप वहाँ पे पैसे बचा सकें। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है सबसे ज़्यादा आजकल जो चल रही है ट्रेंड, कि आपको मार्केट इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि जी कस्टमर क्या
तैयारी कर रहा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फिर ऑफ गार्ड पकड़े जाते हैं ना, नई चीज आ गई फिर आपको कैचअप करने में टाइम लगता है। तो जितनी भी आपकी इंटेलिजेंस आपकी मजबूत होगी, मैंने आपको एक मिसाल दी थी किताब की, सन त्सु की किताब है आर्ट ऑफ वॉर, उसमें वो ये कहता है कि वन स्पाई इन द एनिमी कैंप इज बेटर देन 1000 सोल्जर्स। तो ये हमें मतलब रखना पड़ता है, लेकिन साथ साथ ये है कि जो कंपनी डेवलपमेंट कर रही होती है वो अपनी हर चीज को प्रोटेक्ट रखती है। फॉर एग्जांपल जहां मैं काम करता था, हमें हमारे लैपटॉप्स के अंदर और हमारे, मैं सीनियर पोजीशन पे था, लेकिन इवन देन मेरे पास ये राइट नहीं था कि मैं यूएसबी लगा सकूं। यूएसबी जो है, अगर जैसे मैं फर्स्ट करें मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मुझे कोई प्रेजेंटेशन करनी है, तो मैं उसको अपनी कंपनी की इजाजत से प्राइवेट ईमेल पर डाल लेता था, क्योंकि हर जगह तो आपकी कंपनी की ईमेल नहीं चल खुलती ना। तो अब तो वेब बेस आ गई, तो उस पुरानी बात कर रहा हूँ। तो यूएसबी में अगर आपको लेना हो तो आप आईटी डिपार्टमेंट को मेल करते थे, वो आता था, वो जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है आप उसको मेल करेंगे, वो यूएसबी में ला के आपको दे देगा, और आप फिर उसको, वो एक ही प्रेजेंटेशन होगी जो आप लेके जा रहे हैं उसको वापस करेंगे। तो ये सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए चीजें की जाती है। ठीक है, अब आ जाइए आईओटी, ये आखिरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एक ट्रेंड आया है नया, ये ट्रेंड आया है टेक्नोलॉजी बेस्ड गुड्स का। यानी फॉर एग्जांपल आपके फ्रिज में एक किचन है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड किचन है, वो देख रहा है कि आपके पास गोश्त इतना होना, आपने उसको अंदर फीड कर दिया कि मेरे पास गोश्त अगर 2 किलो से कम पे आ जाए तो मुझे मैसेज दे दो। ठीक है, सब्जियों का ये है, दूध का, हर चीज का, वो आपने उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग कर दी, वो हो गया। अब ये हो गया है कि जब उस लेवल के ऊपर वो चीज आएगी और आप अगर उसको अंदर ये फीड कर दें कि ये मेरा कंपनी है जिससे मैं खरीदता हूँ, मेरा आगाज को मैसेज चला जाए, या मेरे घर के पास जो दुकान है उसको, उससे मेरा वो है वो चला जाए, वो फ्रिज वो मैसेज भेज देगा, आपके घर का जो इंटरनेट है उसके थ्रू दुकानदार को मैसेज चला जाएगा मेरे घर के एड्रेस के साथ, मेरे कस्टमर कोड के साथ, कि जी ये चीज कम हो गई, और वो आपके घर पे वो चीज डिलीवर हो जाएगी। इसी तरीके से ये इंटरनेट ऑफ एबल मॉडर्न फिजिकल डिवाइसेस जितने भी है ना, कि आप घर से ऑफिस से निकले, घर पहुंचने वाले हैं, 10 मिनट पहले आपने इलेक्ट्रिक केटल को मैसेज दिया, सुबह पानी भर के गए थे कि ऑन हो जाओ, वो इलेक्ट्रिक केटल खुद ब खुद ऑन हो गई, आप घर में आए, पानी गर्म था, आपने मग्गे में कॉफी डाली और कॉफी बना के पी ली। स्प्रिंकलर है लॉन के अंदर, हमारे यहाँ तो खैर पानी नहीं है, लेकिन दुनिया में ये होता है कि आप रिमोट जगह से अपने स्प्रिंकलर वाटर लॉन को आप ट्रेवल कर रहे हैं कहीं भी दुनिया में, अगर आपका बंद है, बजाय इसके कि आप एक बंदा हायर करें जो आके आपके लॉन को देखभाल करे, पानी दे, आपने एक प्रोग्रामिंग करके स्प्रिंकलर को प्रोग्राम कर दिया और उसको शाम को उतने बजे वो खुद ब खुद ऑन होके 10-15 मिनट के लिए वो पानी डाल देगा, आपका चलता रहेगा। और अगर मैं इसकी मिसाल दूं, आपने अक्सर इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा कि गाड़ी आती है, गैराज के डोर ऑटोमेटिकली ऊपर होना शुरू हो जाता है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली रिमोट से वो मैसेज देता है उसको। तो ये जो चीजें आई है ना आईओटी जिसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इस टेक्नोलॉजी ने तबाही फेर दी है। मतलब आप एडवांसमेंट भी बहुत हुई है, लेकिन साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क आ गया है। बहुत बड़ा रिस्क क्या आ गया है कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपकी नहीं रही है, सिक्रेसी खत्म हो गई है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैं क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करता हूँ, फर्ज करें अगर मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर महीने में 4 दफा मैंने बाहर खाना खाया है, और मैंने इस चीज को नोट किया है, अगर मैंने 4 दफा बाहर खाना खाया है, मेरे क्रेडिट कार्ड से ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, डिफरेंट जो है ना फूड पांडा होगा, डिफरेंट रेस्टोरेंट जो है, नेंडोज वाला, फलाने फलाने, इनके मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, मेरा टेलीफोन नंबर, मेरी बाइंग हैबिट जो है उनको पता चल जाएगी, हमारी ये स्कीम आई हुई है, हमारी ये स्कीम आई हुई है, हमारी ये स्कीम, मेरी फैमिली जब आई हुई होती है, मेरी बेटी और बेगम अमेरिका से आई हुई होती है, अक्सर ये होता है कि लेडीज स्टोर के अंदर जाके शॉपिंग होती है, कार्ड मेरा ही यूज होता है नेचुरली, और मैं कभी बेगम का, बेटी का मोबाइल नंबर नहीं देता, अगर वहां पे होता है तो मेरे पास इतने मैसेज आते हैं इस तरह के कपड़ों के कि मैं परेशान हो जाता हूँ, बार दफा तो मुझे ब्लॉक करने पड़ते हैं। तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रही, आपकी जिंदगी नहीं रही है। तो ये एक बड़ी डिबेट है दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, हर जगह, और ये जो रशिया में बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, क्या जिसने लीक की थी सारी खबर की, पेंटागन के डॉक्यूमेंट जिसने लीक किए थे, हमारी भी उसने वीडियो लीक की थी, रशिया में जो बैठा हुआ है यार, इस पे फिल्में भी बन गई हैं बड़ी, वो भाई तुम लोग पढ़े लिखे आदमी हो, उसका नाम बताओ ना,
एक अमेरिकन है जिसने सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है ना नासा की और उनकी पता नहीं क्या क्या कि जी किस तरीके से टैप करते हैं फोन क्या करते हैं, उस पर फिल्में भी बन गई है। एनीवे तो ये एक बड़ी डिबेट चली हुई है सिविल राइट्स की कि जी आपके राइट्स खत्म हो रहे हैं इन चीजों से, तो अब इसका क्या करें, आपके पास हल क्या है? एक तरफ तो आप टेक्निकल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का फायदा भी उठाना चाहते हैं। अभी आपको पता होगा जापान के अंदर जब उन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर रोबोट इंट्रोड्यूस किए, जापान जैसे मुल्क में हड़ताल हो गई रेस्टोरेंट के अंदर। ये पेंडेमिक से पहले हुआ था वाकया कि उन्होंने रोबोट इंट्रोड्यूस किए कि आपका ऑर्डर लेगा और ऑर्डर लेके ला के देगा वो, उन्होंने मैन पावर को वहां पे जितने भी रेस्टोरेंट थे उन्होंने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा भाई सब कुछ है तुम तो हमारी नौकरी क्यों खाना चाहते हो, अगर इसमें भी रोबोट आ गया तो फिर बचेगा क्या? ठीक है, तो IoT डिवाइस जो है ना इससे आपके ना सिर्फ आपकी बाइंग हैबिट्स ट्रेस हो जाती हैं बल्कि वो आपको भी ट्रेस कर लेते हैं। अब जैसे करीम अगर मौजूद हैं तो जब ये मुझे बात को सेकंड करेंगे कि मैंने बताया था उन्होंने कंफर्म किया था कि जितने भी फार्मा के सेल्स रैप होते हैं जो डॉक्टरों के पास जाते हैं फार्मा कंपनी उनको मोबाइल जो चिप देती है ना अपनी उससे उनको मॉनिटर करती है कि उन्होंने नंबर ऑफ जी आपने करीम ने बताया था ना मैंने आपको KE की मिसाल दी थी कि KE ने ये अपने जितने भी मीटर रीडर पक्के थे इवन अब जो कॉन्ट्रैक्ट की मीटर रीडर है उनके पास उनको भी उन्होंने चिप मतलब सिम उन्होंने प्रोवाइड की हुई है और उससे वो ट्रेस करते हैं कि इसने 200 का टारगेट है पूरा किया नहीं किया, प्लस माइनस 10-5% वो अलाउ करते हैं कि आपने किसी दिन 190 कर लिए किसी ने 210 कर लिए, लेकिन इससे अगर कम होते हैं ना तो आपको एक मैसेज आ जाता है ऑटोमेटिकली कि आपने कितने किए वो रीड हो जाता है। तो ये एक बहरहाल एक डिबेट है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ आपका एक रिस्क भी है प्राइवेसी का, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है लेकिन इसका फायदा क्या है, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं घर में आपने सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है उसको आपने फीड कर दिया कि मेरे घर में कोई नहीं आएगा, अगर तुम कोई ह्यूमन मूवमेंट देखो तो मोशन सेंसर से सेंस करके आप जो है पुलिस को फोन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज पुलिस को चला जाएगा और आपका घर प्रोटेक्ट रहेगा। ये एडवांटेज भी है लेकिन डिसएडवांटेज मैंने आपको जो बताए वो भी कोई कम नहीं है इसके। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज जो मैंने बताया कि आपकी शॉपिंग हैबिट पता चल गई है, आपका फ्रिज उत्तम कर रहा है, होम सिक्योरिटी को आप बेहतर कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक केटल जो मैंने भी सारी बातें की, गार्डन को आपने पानी दे दिया, इवन वैक्यूम क्लीनर को आप जो है ना रख के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करके चले गए, आपने मैसेज भेजा कि भाई इस एरिए में अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में नहीं होगा ना तो वो सफाई कर देगा आपके आने से पहले। ठीक है, आखिरी चीज जो इसका जो हमने बताया लॉस ऑफ प्राइवेसी गई, आपकी शॉपिंग हैबिट्स हर एक को पता चल जाती है और आप जिंदगी भर आप ट्रैक होते रहेंगे, तो इसका क्या है आपकी जिंदगी में एक बड़ा मसला आ जाएगा। इसका लोगों ने हल ये निकाला है कि VPN, अब ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो आपको खरीदनी पड़ती है। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप देखते होंगे अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करो इतनी कंपनियां पाकिस्तान में भी ऑफर कर रही हैं। वो क्या होता है कि आपके घर में वो इंस्टॉल कर देते हैं, आपके घर से जो गुफ्तगू हो रही है ना वो इनक्रिप्ट होके जाएगी, यानी आपका डाटा जो भी जाएगा ना उसको कोई और रीड नहीं कर सकता, तो आपकी फिर बचत हो जाती है। लेकिन वो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ गई है कि आप टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करो साथ साथ फिर उस टेक्नोलॉजी को अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करो, उसके ऊपर एक फर्दर टेक्नोलॉजी दो, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो भाई ये आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपके कोई सवाल होंगे तो मैं वेलकम करूंगा, लेकिन मेरा एक मसला हल कर दें। मसला ये है कि मुझे कोऑर्डिनेटर ने मैसेज दिया है कि मुझे अगले लेक्चर जो कि 11 तारीख को उससे पहले एक क्लास करनी है ताकि मिड टर्म से पहले आपकी 8 क्लासें पूरी हो जाएं, तो आप लोग आपस में फैसला करके मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे तो बहुत आगे हो जाएगा ना, 2 दिन कंटिन्यूस करना मुश्किल होगा, ट्यूसडे वेंसडे में से आप कोई भी दिन डिसाइड कर लें, सब लोग आपस में मुझे बता दें ये टाइम है जो आपको करनी है। आप 7-10 करना चाहें मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, आप 6-9 करना चाहें उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, आप 5-8 करना जो आपका टाइम कन्वीनियंट हो आपको आप मुझे बता दें, क्योंकि मुझे एक लेक्चर करना है ये 10 वाला आपके साथ में, फिर हो सकता है कि 11 तारीख को इसको आपकी प्रेजेंटेशन भी करनी है और जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन पे काम शुरू नहीं किया है वो फौरन काम शुरू कर दें, मुझे 4 आदमियों की प्रेजेंटेशन 11 तारीख को देखनी है। वैसे तो मेरा टारगेट 6 है कि एक इसमें हम कवर करेंगे और हर एक की अलग अलग वीडियो बना लेंगे हम उसके नाम के साथ ताकि सबूत रहे कि उसने ये प्रेजेंटेशन की उससे ये सवाल हुए, और आप लोग भी नंबर देंगे मैं भी नंबर दूंगा, दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। नंबर 1
नेक्स्ट वीक में जो एक लेक्चर हमें करना है उसकी डेट दिन डेट, और सेकंड ये कि छह आदमी मुझे 8 तैयारी करेंगे तो 6 तैयार होंगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ, और फिर 5 को मिड टर्म के बाद कर लेंगे, और उसके बाद हमारा मजीद जो लेक्चर है उनको करके और हम फाइनल की तैयारी करेंगे, ठीक है। मिड टर्म के लिए जो लोग नहीं थे जिन्होंने सुना था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इट विल बी अ 30 क्वेश्चन पेपर, 2 लाइन 3 लाइन से जिनका ज्यादा जवाब नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी इन दी वीडियोस, और वीडियो से पहले जो प्रेजेंटेशन मैंने की थी आपको, इसको मैं शेयर कर चुका हूँ, ये प्रेजेंटेशन मैंने एडवांस में शेयर कर दी है, ये मैं दोबारा भेज दूंगा, वो पिछली को डिलीट कर दीजिएगा, इसमें मैंने ये 2 चीजें ऐड की थी, IoT नहीं था और डिसऑर्डर IoT, ये मैंने मेरी नजर से गुजरा था ये, तो मैंने कहा आपके साथ इसको शेयर कर दूं। ओके, तो हु विल कोऑर्डिनेट, हसनैन आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर का सर जी, बोले जी बिल्कुल सर जी। सर मेरी 2 क्वेरीज हैं, तो नंबर 1 ये है कि जो प्रेजेंटेशन आप कह रहे हैं उसके कोई कंटेंट आप फिक्स करेंगे कि क्या क्या कवर होना चाहिए उसके अंदर, कोई बेसिक? देखिए मैंने तो आपको बताया ना, मैं 10 स्लाइड्स चाहता हूँ, 10 से 12 स्लाइड्स की हो। आपने जैसे एटलस होंडा है ना, एटलस होंडा की आपने सप्लाई चेन का मुझे हमें बताना है। पहली बात तो ये आप पहली स्लाइड में डिफाइन करेंगे एटलस होंडा करती क्या है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे ना हमसे कि एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना। उस एंड प्रोडक्ट को बनाने के लिए फिर आप बताएंगे कि जी क्या क्या आपके कंपोनेंट्स कौन से, मेजर कंपोनेंट्स आप बता देंगे ना कि इंजन है, टायर्स है, फलाना फलाना, और उनके जो चीजों के कंपोनेंट्स के जो आपके जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से, प्रोडक्शन की डिमांड, आपकी डिमांड फोरकास्टिंग कैसे होती है, उसके ऊपर प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे बनती है, और जो आप हैं जो सप्लाई चेन मैनेजर हैं वो किस तरह आपने अपने सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट किया, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे होती है, उनकी क्वालिटी कैसे मॉनिटर करते हैं, ये सब चीजें 10-12 स्लाइड में आप, 10 से ज्यादा ना रखिएगा, बहुत ही अगर हो तो 12 स्लाइड के अंदर बुलेट पॉइंट्स पे आप बताएं, और उन बुलेट पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन कर दें आप। आप प्रेजेंटेशन एडवांस में भेज देंगे, मैं यहाँ से शेयर कर लूंगा या SM शेयर कर लेगा, उस पर हम सवाल जवाब कर लेंगे, हर आदमी की अलग वीडियो बन जाएगी, उसके ऊपर जो रेटिंग देंगे ऑब्वियस होगी कि भाई मैंने आपके ये कहा है कि जैसे अगर 30 नंबर है ना तो 25 नंबर मेरे पास, सॉरी 20 नंबर मेरे पास हैं, 5 नंबर जो हैं आपके पीयर्स के पास हैं, यानी आपके साथ ही आपको एवेलेट करेंगे 5 में से कितने मिलने चाहिए आपको। अगर फर्ज करें 10 आदमी आपको एवेलेट कर रहे हैं, हर एक ने आपको 4-4 दिया, तो आपके 4 नंबर वो होगा और मैं 20 में से जितने दूंगा, 5 नंबर मैंने रखे हैं ओवरऑल पार्टिसिपेशन के, जो मैं बाद में डालूंगा उसके अंदर, ठीक है। अच्छा ये हो सकता है कि ये इसके बाद मिड टर्म के 30 नंबर आ जाएंगे आपके, और फाइनल का जो होगा 50 नंबर का पेपर होगा, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि फाइनल में मुझे, मैंने पहले लेक्चर में ये बात कही थी आपसे जो शेयर किया था, कि मुझे लंबी कहानियां रट्टे लगवाने का कोई शौक नहीं, उम्र के जिससे मैं आप हैं, उम्र के जिससे मैं हूँ, जितनी जिम्मेदार पोजिशनों पर आप काम करें और आगे आपने जाना है, ये आपकी रट्टे लगाने की उम्र नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, ठीक है। हेलो, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ये था जो अभी, जी सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हेलो जी, आ रही है आवाज? सर दूसरी क्यूरी मेरी ये थी कि अभी जो मिड टर्म के हवाले से, अभी हमने असल में लास्ट सेमेस्टर भी हमारा ऑनलाइन हुआ है, तो उसमें कुछ पैटर्न मिड टर्म का या फिर फाइनल का उन्होंने ये रखा था कि टीचर जो है ना वो 2 असाइनमेंट दे देते थे, 2 असाइनमेंट जब हम सबमिट कराते थे तो उसका टाइम लाइन भी देते थे, किसी ने हफ्ता दिया, किसी ने 10 दिन दिए, तो उस असाइनमेंट के जो टॉपिक्स होते थे उसी के अंदर से फिर वो एक वाइवा कंडक्ट कर रहे थे, इसी तरह से जूम पे ऑनलाइन। देखें ये जो मैं आपको, तो मुझे नहीं पता, नहीं देखें मुर्शिदा बात ये है कि अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना तो मैं ये ना करता, क्योंकि मुझे फिर आपको मुझे 6 क्विज करने पड़ते ना, वो एक प्रॉब्लम हो जाती ना कि हर लेक्चर के दरमियान एक क्विज करूं मैं या अल्टरनेट लेक्चर पे एक क्विज करूं, क्योंकि वो फिर क्विज के 30 नंबर हो जाते ना आपके, तो मैंने ये ऑल्टरनेट सोचा था कि आपको प्रेजेंटेशन कराऊंगा, इससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल का भी अंदर भी अल्लाह को बेहतरी लाएगा। नहीं सर वो तो क्लियर है, इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ ना, मैं देखे देखो मेरे भाई, मेरा काम ये नहीं है कि मैं कोई आपको मुश्किल में डालू, इम्तहान करूं, मेरा मिड टर्म मैंने आपको बता दिया, जो मैंने प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की है, जो मैंने आपके साथ ये गुफ्तगु की है, जिसकी वीडियोज मौजूद है, बात शुरू की 4-5 लेक्चर्स की वीडियोज मौजूद नहीं है, हम चूंकि क्लास में कर रहे थे, तो इनको आप एक दफा यू हैव टू जस्ट जल्दी जल्दी आप देख लें, जो है मैंने सिर्फ 30 सवाल मोटे मोटे आपसे पूछने हैं, जिनका जवाब 1 लाइन का है, 2 लाइन का होगा, बस इससे ज्यादा मैंने नहीं करा। ठीक है क्योंकि अब मैं दोबारा अगर असाइनमेंट दे दूं ना आपके लिए, मुझे ये 11 प्रेजेंटेशन जो है मेरे लिए मसला बन गई है, आप लोग 11 लोग
आप 30 क्वेश्चन का पेपर लोड करेंगे, हम उसका रिप्लाई लोड करेंगे, ये हो गया जी। 30 का मैं पेपर लूँ, आप रिप्लाई जो टाइम होगा 3 घंटे के अंदर आप रिप्लाई लोड कर दें। आपके पास एक चॉइस भी होगी, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन खोल के देख सकते हैं जो आपको मिलेंगी। एक तरीके से ओपन बुक हो जाएगा ना वो आपका। ठीक है सर, मैं इसी पॉइंट पे, मैं सॉरी थोड़ा सा क्लैरिटी इसी पॉइंट पे चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से 3 घंटे का पेपर लास्ट प्रैक्टिस किसी टीचर की नहीं हुई। भाई मसला ये है कि मुझे जब ये शुरू किया था मुझे किसी ने नहीं बताया था, तो मैंने उस हिसाब से प्लान नहीं किया ना। मैंने ये लेक्चर्स प्लान किए थे टेस्ट के बदले में। उन्होंने 6 देखे ना, मुझे जो बताया गया है हमदर्द की तरफ से कि 6 क्विज लेने हैं आपने ड्यूरिंग 14 क्लासों के ना, है ना। अच्छा जी, हर क्विज के 5-5 नंबर हैं, 6 आपने करने हैं, तो वो 30 नंबर उधर से आएंगे, 30 नंबर जो है मिड टर्म के होंगे और 40 नंबर फाइनल के होंगे। तो अब मैं क्विज क्योंकि इंटेक हुआ है ना, बड़ा इरेगुलर हुआ है, अगर मैं करता क्विज तो प्रॉब्लम हो जाती उन लोगों को जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। जैसे कि आपने 3rd-4th lecture में ज्वाइन किया, अकबर ने 5वें में ज्वाइन किया, तो आप लोग डिसएडवांटेज पे आ जाते ना जी। अगर पूरी क्लास मेरे पास शुरू से पूरी होती 11, मुझे पता था 11 है, तो मैं उस पैटर्न पे जाता, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई पेपर कोई ऐसा कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं होगा, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जो आप लोगों का एक बेसिक आईक्यू मैंने देखा है अब तक, आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चले राइट सर। ओके ओके जी, खुदा हाफिज़। मैं बंद कर रहा हूँ जी जी, प्लीज।